हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। मर्सिडीज सी क्लास अब इवॉल्व हो गई है। पहले से ये साइज़ में भी बड़ी हो गई है, फीचर्स में भी काफ़ी रिच हो गई है, और इसीलिए शायद इसे बेबी एस क्लास या मिनी एस क्लास कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं एस क्लास से, ख़ास तौर से इसके फीचर्स में जो इस गाड़ी में आपको अब मिलेंगे। तो चलिए इस रिव्यू में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं सी क्लास खरीदने का तो क्या आपके लिए सूटेबल है या नहीं, आपके नीड्स के लिए, आपके ड्राइविंग के लिए क्या ये आपके लिए सही होगी या नहीं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज आपको यहीं मिलेंगे। तो अगर लुक्स की बात करें तो मर्सिडीज सी क्लास जो है, इसके लुक्स अब पहले से और भी क्रिस्प हो गए हैं और भी मैच्योर हो गए हैं। फ्रंट में आप बड़ा सा थ्री पॉइंटेड स्टार का मर्सिडीज लोगो आपको मिलेगा इसके ग्रिल पे, और वर्टिकल स्लैट्स इसमें आपको मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पोजिंग ग्रिल भी लगता है। प्लस आप देखेंगे कि बोनट के ऊपर आपको बहुत सारे क्रीजेज मिलेंगे जो इसे एक मस्कुलर लुक भी देता है। हेडलाइट्स बहुत ही नीट हैं, ऑफकोर्स ये एलईडी की लाइट्स हैं, और ऊपर इसके जो डीआरएल लगे हैं दे लुक रियली गुड एक टिपिकल मर्सिडीज फैशन में। बम्पर भी काफ़ी स्टाइलिश है, नीचे आपको स्किड प्लेट की जगह एक क्रोम का स्ट्रिप मिल जाएगा, इसे एक प्रीमियम लुक भी ये देता है। अब ये जो गाड़ी है ये C200 है पेट्रोल, और ऑफकोर्स इसका जो AMG वर्जन आता है उसका जो ग्रिल है ये टोटली डिफरेंट है। इसमें आपको 17 इंच के व्हील्स मिल जाएंगे। टायर का प्रोफाइल थोड़ा सा हाई है, यूजुअली इस सेगमेंट में टायर प्रोफाइल्स थोड़े लो आते हैं, बट ये हमारे ड्राइविंग कंडीशंस में ये काफ़ी हेल्प करता है। 225/50 सेक्शन के टायर्स हैं विच डू अ प्रीटी गुड जॉब ऑल्सो। अब साइड से अगर हम देखें तो साइड का लुक जो है ये भी बहुत ही अप मार्केट लगता है, स्पोर्टी भी लगता है, क्योंकि जो रियर आप देखें जिस तरह से स्लोप होता है और जिस तरह से इसका जो रूफ़ है टेल को मीट करता है, ये आपको एस क्लास की याद बहुत दिलाएगा। विंडो लाइन पे आपको थिक क्रोम की स्ट्रिप मिल जाएगी ऑल राउंड, और ये भी ऑफकोर्स इसे एक लिमोजिन वाली फील देती है। इसके जो विंग मिरर्स हैं ये भी बहुत स्टाइलिश है, और एक ख़ास बात, जब इसके डोर को ओपन करें और आप बंद करें तो वो जो एक थर्ड आता है वो इसके बिल्ड क्वालिटी को रीअश्योर करता है। मर्सिडीज़ की सब गाड़ियों में आपको ये मिलता है, और सी क्लास में भी वही रीअश्योरिंग थर्ड आपको मिलेगा, बट ये बहुत लाउड नहीं है, थोड़ा सा मफल्ड है, और एक प्रीमियम फील भी देता है। पीछे का भी जो सेक्शन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, नीटली डिज़ाइन लगता है। बूट एरिया जो है इसका काफ़ी शॉर्ट लगता है जो टेल सेक्शन है, और जो इसके टेल लैम्प्स हैं ये इसके लुक को बहुत उभार देते हैं। टेपरिंग टेल लैम्प्स हैं ये, और यहाँ पे आपको बहुत क्लटर्ड लुक भी नहीं मिलेगा। C200 की बैजिंग मिल जाएगी विद द मर्सिडीज लोगो, इसके अलावा और कोई बैजिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। बम्पर के नीचे आपको डुअल एग्जॉस्ट मिल जाएंगे विद अ लॉन्ग क्रोम स्ट्रिप। अब इसका जो बूट है ये 455 लीटर्स का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें आपका काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, हमारे शूट का सारा सामान इसमें आराम से फिट हो गया। इसमें दिक्कत यही है कि इसमें स्पेस सेवर टायर आता है, जिसकी वजह से जगह जो है ये थोड़ी सी कम हो जाती है। एक एडवांटेज ये है कि आपको बूट स्पेस अगर और चाहिए तो यहीं पर एक बटन है जहाँ से आप रियर सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, और आपको लोडिंग स्पेस जो है ये ज़्यादा मिल जाती है। सी क्लास के इंटीरियर्स सही में बहुत ही प्लश हैं, बहुत ही अप मार्केट फील आपको देते हैं। आप अगर डैशबोर्ड के सेंटर में देखें तो यहाँ पे ये जो पिन स्ट्राइप्स है, यहाँ पे जो लाइंस दिख रही हैं, दिस मेक्स इट लुक लाइक अ वेरी वेरी लग्जोरियस कार। जो इसके AC वेंट्स हैं ये सर्कुलर शेप के हैं, और एक एयरक्राफ्ट वाली फील इसमें आपको मिलती है। जो हाईलाइट है इसका, ये सेंटर में जो बड़ा टच स्क्रीन है वो इसका हाईलाइट है। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका विद द MBUX कनेक्टेड सिस्टम, ये बहुत ही एडवांस्ड है, और जिस तरह से एस क्लास का फील आपको मिलता है कैबिन में, वही फील आपको सी क्लास में मिलता है। जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो MID है, ये भी एक फ्लोटिंग स्क्रीन है, बहुत बड़ा स्क्रीन है ये भी, और इसे आपको अगर कंट्रोल करना है तो स्टेयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स दिए हैं ये भी टच कंट्रोल्स हैं सारे, बहुत ही इंट्यूटिव कंट्रोल्स है। थोड़ा सा आपको यूज्ड होना पड़ेगा इसमें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है एट द फर्स्ट गो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप यूज्ड हो जाएंगे, और तब ये बहुत ही आसान है यूज़ करने के लिए। स्टीयरिंग व्हील इज़ रियली नाइस, गुड टू होल्ड, और ये ऑफकोर्स मॉडर्न जनरेशन का स्टीयरिंग है। एक ख़ास बात है इसमें कि एडजस्टमेंट आपको इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक मिलता है फॉर रेक एंड रीच बोथ। यहाँ पे स्टोरेज के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, कप होल्डर्स है यहाँ पे, और यहाँ एक USB का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको दो USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे छोटा सा
स्टोरेज एरिया है, डोर पॉकेट्स आर क्वाइट बिग, उसमें कोई इशू नहीं है, सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, स्पेशली जो ये लैटरल सपोर्ट है ये आपको हेल्प करता है, आप अगर वाइंडिंग रोड्स पे चला रहे हैं थोड़ा सा एंथुजियास्टिकली आपको चलाना है तब ये आपको अच्छी तरह से होल्ड करके रखता है। सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, जो एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ डोर पर आपको मिलते हैं, और ये एडजस्टमेंट्स भी ट्रेडिशनली जैसे कारों में आता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा कैपेसिटेटिव है और इसीलिए इसमें भी आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ता है, बट दे आर रियली कूल। और इसमें आपको 3 मेमोरी की सेटिंग भी मिल जाती है। अब एक चीज़ आपको इसमें नोटिस करेंगे कि बहुत कुछ इसमें अप मार्केट और प्रीमियम लगता है, स्पेशली दी सिल्वर फिनिशेस, और जिस तरह से इसका ये ग्रैब हैंडल है फ्लोटिंग टाइप का लुक देता है ये, और ये भी बहुत अच्छा लगता है होल्ड करने में। पैनोरामिक सनरूफ इसमें आता है, और इसे ओपन करने के लिए भी जो ये कंट्रोल है ये स्लाइड कंट्रोल है, यू जस्ट हैव टू स्लाइड इट और ये ओपन हो जाता है, सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये इसकी चाबी है और ये भी काफ़ी अप मार्केट लगती है होल्ड करने में। अब कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मिसिंग हैं, फॉर एग्जांपल जब आप इस कैटेगरी कार ले रहे हैं इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलते हैं, दिस इज़ समथिंग मिसिंग। इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, दैट इज़ ऑल्सो वन मेजर ड्रॉबैक, बट कैमरा जो है ये क्लियर है इसका काफ़ी, जो रेयर व्यू कैमरा है विद डायनेमिक गाइडलाइंस, और देखने में क्लियर है बट आपको 360 व्यू नहीं मिलता है, और मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे ये एक बहुत ही ज़रूरी फीचर भी है। जो बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम है इसका, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही सुपर है, वेरी गुड क्वालिटी, और जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसका वो भी स्लाइडिंग टाइप का है और ये काफ़ी अच्छी तरह काम भी करता है। स्टेयरिंग के पीछे आपको पेडल शिफ्टर इसमें मिल जाएंगे, और जो IRVM है इसका ये बिल्कुल बेजललेस है एंड लुक्स प्रीटी कूल। पीछे के पैसेंजर्स के लिए ऑफकोर्स आपको विंडो ब्लाइंड्स मिल जाएंगे, और रियर में भी एक ब्लाइंड है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। अब इसका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसे आप किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया है, और आप पिन ऐड करके मर्सिडीज़ मी ऐप के साथ इसे पेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन कस्टमाइज सो मेनी थिंग्स। आपको व्हीकल सेटिंग्स, व्हीकल डिस्प्लेज, लाइट की सेटिंग्स, आपके नेविगेशन रूट की सेटिंग्स, ये सारी कुछ इसमें मिल जाती है, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन दिस। इसकी जो टच फंक्शनैलिटी है ये बहुत ही टॉप क्लास की है, जो फील आपको इसमें मिलता है, नेविगेशन भी अगर आप देखें तो बिकॉज ऑफ द ह्यूज स्क्रीन बहुत क्लियरली आपको इसमें सब कुछ नज़र आता है, एंड इट मेक्स लाइफ सो ईजी। अब यहाँ पे मैं अपनी हाइट अगर एंटर कर लूँ और मैंने स्टार्ट पोजीशनिंग कर ली, तो मेरे हाइट के हिसाब से स्टेयरिंग और सीट जो है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ से एम्बियंट लाइटिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको मल्टी कलर चाहिए या फिर सिंगल कलर में चाहिए, और आपको किस तरह की चाहिए, इफ़ेक्ट्स क्या चाहिए, आपको अगर ये एनिमेटेड चाहिए, चेंज होते रहे वो चाहिए तो आप कर सकते हैं, ब्राइटनेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन सिलेक्ट व्हाटएवर कलर यू लाइक। पीछे जो है इसमें स्पेस काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाता है, आगे की सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है, और यहाँ पे नी रूम काफ़ी मिल रहा है,
नीचे भले ही आपको थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम मिलता है, बट दिस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। लेकिन एक दिक्कत है, अब सी क्लास जो है ड्राइवर फोकस कार है और रियर पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट इसमें काफ़ी अच्छा है, सीट्स आर वेल बोल्स्टर्ड, लेकिन जो बैक रेस्ट का एंगल है ये थोड़ा सा अपराइट है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, तो लॉन्ग ड्राइव्स में आप ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ द बैक रेस्ट एंगल। यहाँ पे इसका आर्म रेस्ट है, यहाँ से इसे पुश करें तो ये निकल जाता है, और यहाँ पे एक स्लॉट है मोबाइल फ़ोन रखने के लिए, लेकिन इसे भी थोड़ा सा आपको इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है अंदर इसे घुसाने के लिए। आप ऐसे भी रख सकते हैं इसे, बट यू हैव टू स्ट्रगल। और ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, एक पुश करने से ये थोड़ा सा बाहर आता है और आप इसे ज़ोर से पुश करें तो कप होल्डर्स इसके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं और कोई चार्जिंग पोर्ट्स भी पीछे आपको इसमें मिलते नहीं हैं। ये जो डोर हैंडल है इसका, जो ग्रैब हैंडल है, ये फ्लोटिंग टाइप का है, मैट क्रोम फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है, एम्बियंट लाइटिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, एंड इट मेक्स यू फील इन अ वेरी वेरी लग्जोरियस कार। यहाँ पे आपको ब्लाइंड्स मिल जाते हैं और इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है ये स्प्लिट है, और ये भी आपको एक बहुत ही एयरी फीलिंग देता है, इट रियली फील्स वेरी गुड। मैं जो इस वक्त चला रहा हूँ ये C200 है, जिसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है और इसमें 201 BHP का पावर है और 300 Nm का टॉर्क है। साथ में इस गाड़ी में 48 वोल्ट्स का स्टार्टर जनरेटर लगा हुआ है, जो इसे एक माइल्ड हाइब्रिड बना देता है, और ये स्टार्टर जनरेटर जो है ये काम करता है कि इसकी जो बैटरी है इसे चार्ज करता है, और ये स्लो स्पीड्स पे एक थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, तो अप टू 20 BHP का ये पावर प्रोवाइड करता है और 200 Nm का टॉर्क ये देता है। तो जब आप स्लो स्पीड्स पे चला रहे हैं तब ये जो मोटर है ये असिस्ट करता है और आपको सीमलेस पावर डिलीवरी मिलती है, कोई टर्बो लैग नहीं मिलता है, और इस वजह से ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी इंक्रीज हो जाती है। अब मैंने इसे सिटी में चलाया है मोस्टली, और मुझे इस गाड़ी ने अराउंड 12 किलोमीटर्स का माइलेज दिया है, 12-13 किलोमीटर्स, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। इनिशियल परफॉर्मेंस इस इंजन का अच्छा है, पावर की कमी ऐसे महसूस नहीं होती है, लेकिन जब आप इसे फ्लोर करें, थोड़ा सा और परफॉर्मेंस आप चाहते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये इंजन थोड़ा सा छोटा है, ये पावर इतना नहीं प्रोड्यूस करता है, जो पंची परफॉर्मेंस आपको चाहिए वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो अगर आप बहुत एंथुजियास्टिक टाइप के ड्राइवर हैं तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा इन द C200, लेकिन एक चीज़ आप इसमें अप्रिशिएट करेंगे कि अब ये ज़्यादा ड्राइवर्स कार बन गई है। जो सीटिंग पोजिशन है इसकी ये बहुत ही स्पोर्टी किस्म की है, आप बिल्कुल सिंक इन हो जाते हैं सीट में, स्टीयरिंग पोजीशन इज़ आल्सो वेरी नाइस, और आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिकली इसके स्टीयरिंग को। ऑल राउंड विजिबिलिटी भी अब पहले से इंप्रूव हो गई है इसकी, और एक बहुत ही अच्छा ककून फील आपको इसमें मिलता है, कॉकपिट वाला फील आपको मिलता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस यू नो सेंटर आर्म रेस्ट और ये जो सेंटर का पोर्शन है, इसकी वजह से कॉकपिट वाली फील भी आपको इसमें मिलती है। और जैसे मैंने कहा कि ये अब पहले से ज़्यादा ड्राइवर्स कार हो गई है, इसका यह मतलब है कि जो हैंडलिंग है ओवरऑल इसकी बहुत इंप्रूव हो गई है, स्पेशली जब आप कॉर्नर लेते हैं, कॉर्नर स्पेस को यू नो हार्ड तरह से चलाते हैं, वहाँ पे जो फील आपको इसमें मिलता है दैट इज़ मच मच बेटर, एंड दिस इज़ द बेस्ट हैंडलिंग सी क्लास अब तक की। ऑफकोर्स ये BMW 3 सीरीज़ के लीग में तो नहीं आती है, लेकिन काफ़ी क्लोज ज़रूर कह सकता हूँ इसे। स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है ये भी बहुत ही अच्छा है, और ख़ास तौर से सस्पेंशन जो ओवरऑल जिस तरह से फील होता है अब ये बहुत ही अच्छा है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो अच्छी है ही, लेकिन आप जब थोड़े अनड्यूरेशंस पे चलाएं तो सोकअप भी इसका जो सस्पेंशन है बम्प्स को अच्छी तरह से सोकअप कर लेता है। थोड़ा सा स्टिफनेस इनहेरेंट आपको ज़रूर मिलता है इसमें, वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन इसकी वजह से जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है कार की ये बहुत ही अच्छी हो जाती है। एक दिक्कत जो मैंने महसूस की इसमें यह है कि ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा सा इसका इशू है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप उबड़ खाबड़ रास्तों पे चला रहे हैं, कोई बड़ा सा स्पीड ब्रेकर अगर आ गया तो आपको बहुत ही स्लो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यूजेज में काफ़ी जगह पे ये गाड़ी स्क्रेप हुई है। अब इस इंजन के साथ 9 स्पीड का G-Tronic ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है, ये ऑफकोर्स DSG नहीं है, एक ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, और बट सीमलेस पावर डिलीवरी आपको इसमें मिलती है, जर्क्स नहीं मिलते हैं, शिफ्ट्स अच्छे हैं, थोड़ा सा जब आप जो सडन किक डाउन है इसका उसमें थोड़ा सा आपको लैग मिलेगा, बट रेगुलर ड्राइविंग के लिए कोई भी इशू नहीं है, और 9 स्पीड होने की वजह से हाईवेज पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी मिलती है। अब जो सस्पेंशन है इसका ये जब आप रफ रोड्स पे चलाएं तो स्टिफनेस आपको ज़रूर लगेगी, थोड़ा सा आपको फील होगा, लेकिन गाड़ी अनस्टेबल नहीं होती है, ये खास बात है इसकी, और जब आप हाई स्पीड्स पे चलाएं तो राइड बिल्कुल फ्लैट रहती है,
आपको इसमें कोई लैटरल मूवमेंट नहीं मिलेगा या वर्टिकल मूवमेंट भी आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो रोड पे मैं चला रहा हूँ ये बिल्कुल फ्लैट सर्फेस नहीं है, थोड़ा सा अनइवन है, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा है और काफ़ी फ्लैट चल रही है गाड़ी। अब इस इंजन की और एक ख़ास बात मुझे लगी कि जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती इंजन की, इट्स वेरी वेरी साइलेंट, और आपको डबली श्योर होना पड़ता है कि इंजन वेदर स्टार्ट हुआ है या नहीं। जब आप इसके टैकोमीटर को देखें तब आपको समझ में आता है कि ओके द इंजन इज स्टिल रनिंग, लेकिन जब इसे आप हाई रेव करें, हाई स्पीड पर चलाएं, तब थोड़ी सी नॉइज़ अंदर इंक्लूड होती है। और एक बात कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द कैबिन इंसुलेशन। कैबिन मेरे हिसाब से और थोड़ा सा साइलेंट हो सकता था। रोड नॉइज़ जो है, जब आप रफ सर्फेस चला रहे हैं तो रोड नॉइज़ काफ़ी अंदर इंक्लूड होती है। सो दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन जो ओवरऑल फील मिलता है इस गाड़ी को चलाने में ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्पोर्टी फीलिंग इसमें मिलती है जैसे मैंने पहले बताया आपको, एंड दिस मेक्स द एंटायर एक्सपीरियंस वेरी वेरी गुड। अब सी क्लास की जो प्राइस है ये भी पहले से काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, 55 लाख एक शोरूम से शुरू होती है और 61 लाख तक जाती है इसकी प्राइस। तो ऑफकोर्स दिस इज़ नो लॉन्गर चीप, इसे आप चीप मर्सिडीज़ भी कह नहीं सकते हैं, दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन ऑफकोर्स अपग्रेड्स बहुत सारे हुए हैं, स्पेशली जो फीचर्स में और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, दिस इज़ टॉप क्लास। कुछ फीचर्स जो मैंने कहा मिसिंग है इसमें अब भी, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हैं, 360 डिग्री कैमरा है, ये जो बहुत ही फंक्शनल फीचर्स हैं ये अगर इसमें होते तो ये और भी अच्छी बात होती। वैसे चलाने में, राइड एंड हैंडलिंग में ये बहुत इंप्रूव हो चुकी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस गाड़ी का। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि सी क्लास आपको कैसी लग रही है, स्पेशली ये C200 जो मैं इस वक्त चला रहा हूँ, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट ज़रूर पहनें।